तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप और मैं आज आपके लिए लेकर आ गया पुलिस बाइक तो पुलिस बाइक जैसे ही आपने सुना होगा तो आपके मगज़ में अलग अलग पुलिस बाइक की इमेज बनी होगी लेकिन ये जो पुलिस बाइक है कुछ अलग प्रकार की है कुछ यूनिक प्रकार की है जिसका मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ आपके लिए तो आप वीडियो में लाइट तक बने रहे ताकि जो हम पुलिस बाइक लाने वाले हैं वो जो पुलिस बाइक है ना उसको देख ही आप समझ जाओगे पूरी यूनिक है मैंने देखी है मैंने उसको फोटो में देखी है कुछ यूनिक प्रकार की तो आप देखना चाहते हो तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ आ जाओ इधर ही रहो तुम इधर ही रहो मैं किधर गया चला तो तो दोस्तों ये जो है पुलिस कार ऐसी दिखती है क्या है दिखती है ना आपको नहीं दिखती है चलो तो इसको मैं बक्से को खोल के दिखाने आ इससे पहले ये जो बक्सा है इसके पीछे का फोटो देखो कुछ इस तरह तो चलो दोस्तों यहाँ पे एक स्कैनर है उसको स्कैन करके भी इसको आप देख सकते हो कि कैसे वर्क करती है तो यहाँ पीछे का जो भाग है इसका ये रिमोट देखो ये बाइक से बड़ा तो यार रिमोट है कैसे में ये जो तो बाइक है ना उससे बड़ा तो ये रिमोट है तो ये रिमोट भी क्या यूनिक होने वाला तो इस पे दो नॉन डिस्चार्जेबल छेल डालने वो आपको दुकान लेने पड़ेगी वो मैं नहीं दूंगा ओके और मुझे भी जहाँ से मैंने परचेस किया से मुझे भी नहीं मिला है ये खर्चा घर का रहेगा इसमें तो कोई नो कॉम्प्रोमाइज रहेगा और ये जो बाइक है देखो यहाँ पे दो टायर वाली बाइक तो दो टायर की ही रहती है क्या है अभी इसमें एक बैटरी आएगी जिसको हम केबल की मदद से चार्ज कर सकते चलो इस बक्से को हम अनबॉक्स करते है मेरा कटर कहा गया कैमरामैन कटर कहाँ गया दोस्तों तो मैं कटर कब से ढूंढ रहा था लेकिन कटर यहाँ था मैंने कैमरामैन को दो तीन गालियाँ भी दे दी बाद में पता चला कटर इधर है अब कैमरामैन मेरे को मारेगा बाद में अभी नहीं अभी पूरा वीडियो देखो ये कटर है कटर की आवाज भी कितनी अच्छी है देख है ना आज मैं थोड़ा मूड मेरा थोड़ा अलग ही है आप देख सकते हो मजा आ रहा है क्योंकि नवरात्रि का माहौल है शाम को हम खेलैया बनने वाले हैं ये देखो इसका यूएसबी बता वाह क्या बात है छोटी सी लेकिन रिमोट देखो इसका भी बाप क्या कैसे कैसे हो सकता है रिमोट क्या देखो ये गाड़ी से बड़ी है है मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता मेरा को बुरा यार तो चलो दोस्तों अब इसको यहाँ पे हम दो छेड़ डालने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम ओपन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम दो सेल डाल देंगे देखो यहाँ पे रेड अलर्ट आ गया यानी कि ये जो रिमोट है चालू हो गया इसको हम बंद कर देंगे टाइम नहीं बिगाड़ेंगे फटाफट इसका काम चालू करेंगे आपको क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है आप यार धंधा लेके बैठे होंगे अब ये जो बाइक है पुलिस बाइक ये कुछ यूनिक प्रकार की है कैसे चलती है मुझे भी मालूम नहीं चलो हम साथ में चलाने वाले हैं तो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है और ये देखो यहाँ पे है ना वहाँ यहाँ से चार्ज कर सकते हो यहाँ से यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है अभी ऑन यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है यहाँ पे मैंने कर लिया है ऑन अब ये जो रिमोट है उसकी मदद से मैं देखता हूँ ये जो है ना देखो पूरी साइड में जा रही है इसकी मदद से पूरी लेफ्ट एंड राइट जाएगी अब आगे पीछे का ऑप्शन है यहाँ ट्रिगर में आएगा जैसे ही आप ट्रिगर आगे प्रेस करोगे देखो आगे की पीछे यानी कि ये ये उंगली से थोड़ा ऊपर ऐसे करना है तो पीछे आएगी देखो देखो जा रही है न अब देखो पीछे आएगी ओ काफ़ी बढ़िया है छोटी सी है लेकिन गिर नहीं रही है क्योंकि इसके दोनों साइड सपोर्ट है अच्छा बात नहीं है <laughs> जो फिर भी गिर गया खड़ा होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसको तो शायद इसको यार पत्थर वाली जगह पर चलाना थोड़ा मुश्किल होगा तो चलो अब इसको हम देखते हैं अच्छा कुछ इस तरह से ये है अपनी जगह पर तो फिर से हम ट्राई करते हैं ये कहा चलेगी घास पे चले जाना पड़ेगा किसी को लगा तो नहीं ना चेक करना पड़ेगा नाना ये तो सही सलामत है इसको कुछ नहीं लगा है तो दोस्तों ये गाड़ी है जो बाइक उसकी जो स्पीड है वो काफी बढ़िया है वो तो मैंने आपको दिखा है लेकिन ये जो रोड है वो इतना स्मूथ नहीं है थोड़ा जो है थोड़े थोड़े पत्थर है छोटे छोटे उसकी वजह से जो है हमारी कार बाइक है वो कहीं ना कहीं उलट पलट उलट पलट हो रही है लेकिन इसकी स्पीड की बात करें तो वो आपको दिखाई दे रहा देखो इसकी स्पीड देखो आप दोनों टायर इतनी तेज़ी से घूम रहे हैं कि आपको दिखाई नहीं देगा तो अगर ये आप घर पर चलाओगे ना तो काफ़ी मज़ा आने वाला है देखो फिर भी इसको हमें पत्थर वाली जगह पे वहाँ ट्राई करते हैं देखो अभी पीछे रहनी पड़ेगी देखो जा तो रही है लेकिन फिर देखो अपने जो दोनों टांग है अगर वो ज़मीन पर कनेक्ट नहीं रहेंगे तो चलना थोड़ा मुश्किल रहेगा पावर तो है इसमें बहुत ज़्यादा आगे नहीं तो पीछे चलना तो पड़ेगा देखो अभी है ना दोनों टायर कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो देखो अभी बहुत कोशिश कर रही है अब मैं साइड में घुमाता हूँ फिर देखता हूँ अभी साइड देखता हूँ वाह ये जो अपनी जगह पर लेफ़्ट और राइट हो रहे हैं ना वो काफ़ी यूनिक है आप देखो देखो ये कुछ अलग ही स्टंट है जो हमारे पास बाइक है उसमें ऐसा स्टंट आता नहीं और ऐसा करना भी मत तो उसके वजह से अगर कुछ अकस्मात हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी ये तो ठीक दिखाने के लिए रहता है आपको आपके लिए हम लाते रहेंगे ऐसे यूनिक यूनिक टॉइस लेकिन आप घर पर ऐसे कभी ट्राई मत करना तो दोस्तों ये कार की बात करूँ तो ये कार काफ़ी बढ़िया और काफ़ी यूनिक है इसका लुक भी काफ़ी बढ़िया है इसका कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी बढ़िया है इसका जो रिमोट है उसको हैंडल करने में देखो ये गन की जैसा है मुझे तो मज़ा आया इसका रिमोट क्योंकि इस दोनों में से तो मुझे इसका रिमोट अच्छा लगा आपको क्या लगा अच्छा लगा कमेंट करके बताना इस दोनों में तो इसको आपको परचेस करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं इसकी प्राइस की बात करें तो ये छः सौ और सात सौ के आसपास आपको मिल जाएगी ये बच्चों को घर पर चलाने की काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है और घर के बाद अगर आपको चलाना है तो जो स्मूथ सरफेस रहेगा वहाँ पर आप अच्छी तरह से चला पाओगे इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड भी काफ़ी बढ़िया है लेकिन यहाँ हम जहाँ लोकेशन पर आए हैं वहाँ पर स्मूथ इतना है नहीं तो ये सीधी पट्टी यानी कि समतल सीधी जगह पर इतनी तेज़ी से जा नहीं रहे क्योंकि वो छोटे छोटे पत्थरी बीच में आ रहे हैं तो उलट पालट हो रही है इसलिए गिरने का चांस थोड़ा बढ़ गया है तो दोस्तों इसको आपको परचेस करना है तो परचेस कर लेना काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छे और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही टॉइस की वीडियो हम आपके लिए लाते रहे थैंक